क्रिकेट पर एक छत्र राज करने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम का गुरूर टूटा था आज ही के दिन। जी हाँ, 1999 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस टीम की जीत का सिलसिला जो चालू हुआ उसके बाद पाकिस्तान से एक लीग मैच हारने के अलावा 23 मार्च 2011 तक एक भी मैच नहीं गंवाया था इस ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। इस दौरान कंगारू टीम 3 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन भी बन चुकी थी, लेकिन फिर ठीक आज से 9 साल पहले यानी कि 2011 में टीम ऑस्ट्रेलिया का विजय अभियान टूटा था भारतीय टीम ने। और इस मैच का हीरो और कोई नहीं बल्कि था अपना यूवी पाजी यानी कि युवराज सिंह। जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं दोस्तों युवराज सिंह के फैन तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। दोस्तों, आज से ठीक 9 साल पहले साल 2011 में 24 मार्च को वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम का सामना भारतीय टीम से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुआ था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए थे, जिसमें पॉन्टिंग का शतक भी था। इस मैच में पॉन्टिंग ने 104 के स्कोर पर आउट हुए थे। आउट होने वाली गेंद पर उन्होंने अपने कैरियर में पहला स्वीप शॉट खेला था, लेकिन वे इस शॉट को खेलते हुए आउट हो गए थे। भारतीय टीम के सामने वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 261 रन का लक्ष्य था, लेकिन भारत के सामने वो टीम थी जिसने वर्ल्ड कप में पिछले 34 मुकाबले लगातार जीते थे। ऐसे में टीम के हौसले इतने बुलंद नहीं थे, लेकिन MS धोनी की कप्तानी वाली टीम ने लक्ष्य का पीछा और वीरेंद्र सहवाग सचिन तेंदुलकर ने मिलकर टीम को सदी शुरुआत दी, लेकिन सहवाग आउट हो गए, जिसके बाद सचिन और गौतम गंभीर ने मोर्चा संभाला था। सचिन तेंदुलकर 54 रन बनाकर आउट हो गए। तेंदुलकर के बाद विराट कोहली 24 रन बनाकर पवेलियन की ओर चल पड़े, तो वहीं गौतम गंभीर 50 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पे आए थे अपने यूवी यानी कि युवराज सिंह ने वो कमाल दिखाया जो विश्व में वे लगातार करते आ रहे थे। पहले 2 विकेट चटका चुके युवराज ने संयम भरी पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। युवराज की 54 रन की पारी के दम पर भारत ने 47.4 ओवर में ये लक्ष्य 5 विकेट शेष रहते हासिल कर दिया था। यूवी पाजी उस समय अपने कैरियर के चरम पर थे, यानी कि वे अपने कैरियर के सबसे शानदार मूड में थे। अगर उस दिन युवराज सिंह ये पारी ना खेलते तो शायद भारत 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता। तो दोस्तों, अगर युवराज सिंह की ये पारी आपको भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।